सर कार्रवाई की गई है, क्या मामला है? मामला है उमलेश प्रसाद सिंह, सब रजिस्ट्रार पूर्णिया में हैं, उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का केस निगरानी में दर्ज हुआ है और उसी सिलसिले में कोर्ट से सर्च वारंट लेकर के आज इनके राजीव नगर स्थित घर पर सर्च चल रहा है जिसमें लगभग 12 लाख रुपये नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूं शिवम कुमार। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो राजधानी पटना से आ रही है, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ नीतीश सरकार के जीरो टॉलरेंस नीति पर चलते हुए निगरानी ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पूर्णिया जिले के अवर निबंधक यानी कि रजिस्ट्रार के दो ठिकानों पर एक साथ निगरानी विभाग ने छापेमारी की है। आपको पूरी खबर हम बताते हैं। आय से अधिक संपत्ति होने का जो पता है वो चला है और सीधे तौर पर जो है निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने पूर्णिया के भ्रष्ट जिला अवर निबंधक अमलेश प्रसाद सिंह के दो ठिकानों पर छापेमारी की है। तलाशी जब हुई थी तो उसमें अमलेश कुमार सिंह की अकुत संपत्ति का पता चला है। निगरानी के जो DSP हैं SK मोवार ने बताया कि प्रारंभिक सर्च के दौरान रजिस्ट्रार के घर से 12 लाख कैश, आधा किलो सोना, जमीन के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कई पॉलिसी जो हैं वो करवाए हुए थे और बैंक अकाउंट होने की जानकारी मिली है। निगरानी ब्यूरो की टीम बुधवार को पटना के राजीव नगर स्थित अंजता कॉलोनी यानी कि राजीव नगर में ये जो अमलेश कुमार सिंह जो हैं उनका आवास है, उनके आवास पर ही पहले शुरुआती जो छापेमारी थी वो हुई और उसके साथ साथ पूर्णिया में ही यानी कि दोनों राजीव नगर और पूर्णिया में जहां जहां इनका आवास था दोनों जगह पर एक साथ निगरानी ब्यूरो ने छापेमारी की है और कई सरकारी उनके जो दफ्तर हैं, आवास हैं, सब जगह छापेमारी की। और बताया जाता है कि निगरानी विभाग में अमलेश प्रसाद सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज भी कर लिया गया है। अमलेश प्रसाद मूल रूप से भोजपुर जिले के रहने वाले हैं और आप अपनी सेवा काल के महज चंद वर्षों के अंदर ही इन्होंने राजीव नगर अंजता कॉलोनी में आलिशान 3 मंजिला मकान भी बना लिया था। साथ ही साथ छापेमारी दल में शामिल अधिकारियों के मुताबिक जब टीम के सदस्यों ने उनके आलिशान मकान में छापेमारी की तो इस मकान की शान और शौकत देख सभी की आंखें खुली की खुली रह गई। कमरे की बनावट से लेकर बाथरूम और किचन मानो किसी 5-स्टार होटल जैसा हो। बहरहाल अभी छापेमारी की कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई से जुड़ी जानकारी शाम तक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के तरफ से सार्वजनिक किए जाने की बात कही जा रही है। तो सीधे तौर पर एक बड़ी कार्रवाई जो नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस नीति पर जो काम करते हैं उसी को लेकर निगरानी ब्यूरो ने एक बड़ी छापेमारी की है। जो रजिस्ट्रार हैं पूर्णिया जिले के उनके दो ठिकानों पर, आपको बता दें कि राजीव नगर में अंजता कॉलोनी में उनका एक बंगला है, आलिशान बंगला बताया जा रहा है, उसमें भी छापेमारी की गई है और साथ ही साथ जो उनका सरकारी दफ्तर जो है पूर्णिया में वहाँ पर भी एक वक्त दोनों जगह पर जो छापेमारी है वो की गई है। हालांकि पूरी जानकारी जो है वो शाम तक जो है वो निकल कर सामने आएगी। सर कार्रवाई की गई है, क्या मामला है? मामला है उमलेश प्रसाद सिंह, सब रजिस्ट्रार पूर्णिया में हैं, उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति का केस निगरानी में दर्ज हुआ है और उसी सिलसिले में कोर्ट से सर्च वारंट लेकर के आज इनके राजीव नगर स्थित घर पर सर्च चल रहा है जिसमें लगभग 12 लाख रुपया, 15 पासबुक, LIC वगैरह का बहुत सारे कागजात और ज्वेलरी बरामद हुआ है और उसी समय अभी कागजात की हम लोग जांच कर रहे हैं, कार्रवाई चल रही है अभी। जमीन के दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं? हाँ, जमीन के दस्तावेज पूर्व में ही 4-5 डीड हम लोगों को बरामद हुआ है और विशेष और हम लोग अभी सर्च
कार्रवाई चल चल चल। जो जमीन के दस्तावेज बरामद किए गए हैं उस जमीन की कीमत क्या होगी लगभग? सब मिला के इतना कम है, सब मिला करके वही ना बोले कि एक करोड़ लगभग 12 लाख। आय से अधिक संपत्ति के मामला पर कांड दर्ज किया गया है, उसी सिलसिले में आज सर्च अभियान चल रहा है। की पूरी जानकारी भी आपको रिपब्लिकन न्यूज देगा, तब तक के लिए आप बने रहें रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।